आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शुभम सुदामा। तो आज मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूं कि आप अपने SBI ATM का पिन चेंज कैसे कर पाएंगे। ATM में जाना होगा और इसके बाद का पूरा प्रोसेस मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कोई दिक्कत आता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आपको मशीन में अपना ATM पुट करना है, कुछ सेकंड वेट करना है। इसके बाद आपके यहाँ बैंकिंग का जो ऑप्शन है सिलेक्ट करेंगे। यहाँ अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, इंग्लिश हिंदी। इसके बाद जो आपको डिस्प्ले पे आ रहा है 25 वो आपको यहाँ पे टाइप करके यस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना पिन एंटर करना है, जो आपका पुराना पिन होगा 4 डिजिट का वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। और इसके बाद एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे पिन चेंज करने के लिए पिन चेंज पे क्लिक करिएगा और प्लीज़ एंटर योर न्यू पिन। जो आपका न्यू पिन बनाना चाह रहे हो वो आप 4 डिजिट के यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा और फिर से री एंटर न्यू पिन आ रहा है, आप उसी पिन को दोबारा से एंटर करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपका पिन जो है वो चेंज हो जाएगा। योर पिन हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली। आपका जो पिन था वो चेंज हो गया है। अब जो आपका न्यू पिन है इसी से आपका ट्रांजेक्शन होगा। आपको ATM से बैलेंस चेक करना है या बैलेंस निकालना है या कोई भी ट्रांजेक्शन करना है तो आप इसी पिन का आप यूज़ करेंगे। पुराना वाला पिन आपका कोई काम का रहा नहीं, नया वाला पिन ही आपका काम का आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।